ओके गाइस, सो वेलकम एवरीवन। तो हमें जाना है गोवा, मतलब टेक्स्ट बुक में जाना है। तो चले टेक्स्ट बुक के साथ हम जाएंगे गोवा। तो गोवा जैसा मैंने देखा, ये हमें लिखा है, इसके जो लेखक है वो है विनय शर्मा जी। जन्म उनका 1973, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये जो अपने नाम से हमको पता चलता है कि ये जो है, ये जो लिखा ही है उनका यात्रा वृत्तांत है। क्या है उनका यात्रा वृत्तांत, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से इस गद्य में प्रस्तुत किया है। तो जो गद्य है, तो गद्य के बारे में देखिए, यात्रा है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए हम जाएंगे लेक्चर में, क्या क्या उन्होंने बताया है। तो लेखक आपको हमें समझ में आ सकता है कि वहां से निकले, खास से मध्य प्रदेश। तो गोवा यह नाम सुनते ही तो भी सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और वो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद को खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ खास से इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा क्या है, तो जैसे कि हम इंदौर से आते हैं तो खंडवा भी एक बड़ा सा स्टेशन है यहाँ पर। अगर हम इंदौर हैं तो वहां से उनके साडू साहब भी परिवार के साथ, हमारे परिवार सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो लेखक उनका परिवार और उनके साडू, उनका परिवार सब चले गोवा। एक्सप्रेस का नाम ही गोवा एक्सप्रेस है। तो 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी, वहां पे मडगांव ये स्टेशन है गोवा का, तो सुबह का उजास हो गया था, सुबह हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। वहां पे गए सर, टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल मतलब ठंड हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पर्यटन। काम तो चलता ही रहता है, हमारे जीवन की समस्याएं छुट्टी नहीं है, खत्म नहीं होती है, इसलिए पर्यटन से हमें आनंद मिलता है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। तो टैक्सी के बाद कुछ देर बाद जो टैक्सी थी वो मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित उनका जो रिसोर्ट था, कस्बा बैनालियन के एक रिसोर्ट में आकर रुक गए। यह रिसोर्ट इन्होंने पहले ही बुक कर दिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम सब कहा गए आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। सूट क्या होता है, या फिर कुछ अलग देखे, तो सूट ऐसा होता है कि एक बड़े बड़े अच्छे से कुछ 5 स्टार 3 स्टार से कमरे रहते हो। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ बातें बता देता हूँ। दरअसल गोवा दो राज्य दो भागों में बटा हुआ है। तो गोवा के कितने भाग है, दो भाग है। दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला, सिर्फ दो ही जिले वहां पर, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा, नॉर्थ गोवा एंड साउथ। इसके राजधानी पणजी, कौन सी नदी वहां पे, मांडवी नदी है वहां पे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है, फिर भी समुद्र इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम प्रायः उमस सतह हवा में नमी में रहती है, ह्यूमिड टेम्परेचर लाइक वी आर हैविंग इन मुंबई। जैसे आपका कल्याण मुंबई का तापमान है, दक्षिण गोवा का तापमान सुधर है, कोकणातला तापमान सुधर सेम है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरित सीमा से भरपूर है और
फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, मुंबई जितना भी चिपचिपा होता है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने सांस्कृतिक विरासत में भी समेटे हुए है। यहाँ का जो फेवरेट फंक्शन है वो है आपका कार्निवल, और दिसंबर में तो आपको पता ही होगा क्रिसमस वगैरह यहाँ पे बहुत ही फेमस है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो सब कहा जाएंगे अभी शाम का आनंद लेने सब निकल पड़ेंगे, होटल से सब बाहर निकल पड़ेंगे। तो शाम को वो चले गए, कहाँ चले गए, बैनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह क्या है, बैनालियम है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बहुत और बड़ा अच्छा लग रहा था। प्रेसर से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर होगी थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह ही जा रहा था। तो अरबी समुद्र बता ना आपको कि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वी आर अरेबियन, और गोवा भी यही पे है, अपना महाराष्ट्र है गोवा, राइट। एनीवेज सो कभी अचानक लोरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रन वेदी की तरह हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। आपको सबको पता होगा रेत में हम तेजी से नहीं दौड़ सकते, फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत तो समुद्र देखते ही उसमें उससे जाकर लिपट गया, मुझे कहा तो समुद्र दौड़ते ने आंगोलिया शुरुआत की। वो बच्चे ऐसे अपना कुछ ना कुछ रेत के खेल खेलते रहते। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। शाम के आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना जीवन का नियम है या फिर नियत है। तो बनने के बाद मिटना, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी रहती। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला, लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टिटिटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ क्या कहते हैं, क्यों आते हैं पक्षी वहां पे, तो जो भी मछलियां होती है लहरों के साथ होकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मर जाती है, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल जाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, ये जो दृश्य है ये दृश्य सभी का मनोरंजन करते हैं। इधर जैसे सूर्य देवता ने अलविदा ली, वैसे चंद्रमा ने चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। अच्छा लगता है रात में उतना ही वो डेंजर लगता है, आपने कभी देखा होगा बहुत ही डेंजर होता है रात में समुद्र। अगले दिन हम बस से गोवा घूमने की गोवा घूमने की योजना बनाई। लोग ज्यादा थे इसलिए वो बस से घूमने गए। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिलती, भाड़े की तुम्हें घूम सकता, तुम्हारा पाई जा सकता, दूसरा तो भाड़ा असत जो तुम घूम सकते, और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। या सी फूड मंजे क्या है, समुद्र अतलो जे सी फूड, ओके, जलमास्य हवे अजून काही वेगळे प्रकार आहेत, खेटे वगैरे, सो खूप प्रसिद्ध आहे ते। अधिकतम होने कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है, तो सगळं मांसाहारी जास्त त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल।
काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए इन्होंने क्या किया था, अभी ये जो थे ये शायद शाकाहारी होंगे, तो इन्होंने अपने रिसोर्ट के सूट में किचन में वो भोजन करते। तो सबसे पहले वो कहाँ पे गए, अंजुना बीच को, कहाँ पे पहुंचे वो, अंजुना बीच। गोवा में छोटे छोटे बड़े करीब 40 बीच है, कितने बीच है 40, लेकिन 7 या 8 ही प्रमुख है। अंजुना बीच कैसा है तो नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है, मतलब अगर ये बीच है ये समुन्दर है, यहाँ पे बड़ी सी पहाड़ी आपको दिखाई देगी जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। तो ऊपर से आप पूरा बीच वहां पर देख सकते हैं। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर और छाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे यह पत्थर कमजोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट जाने के कई पर पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई में अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा रहता है समुद्र किनारे, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल अपने मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रखने में ही चदर लगा रहता है। तो बच्चों को चिल्लाते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम्हें पता कभी समुद्र किनारे के लास्ट साल तो तुम्हारा भाई कि तुम्हारा ओरडतात, इकडे जाऊ नको, तिकडे जाऊ नको, हे करू नको, ते करू नको, इवन वॉटर पार्कला पण तसंच। एनिवेज मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य, तो सभी बीच का अलग अलग सौंदर्य होता है। बेनालियम बीच कैसा है, रेतीला है, उथला है। यह मछुआरे की पहली पसंद। उथला होने क्या रंग क्या होता है कि बहुत सारी मछलियां उन्हें मिल जाती है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेच जाती है। इतनी मछलियां वहां पर पकड़ते हैं लेकिन वो वहीं पे बेची जाती है, तो इसलिए उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला, यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब क्या होता है, जो भी शूटिंग वगैरह अगर करनी है बीच के यहाँ पर, तो वो सब कहाँ पे आते हैं, बॉलीवुड वाले यही पे आते हैं, अंजुना के यही पे आते हैं। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति में है। इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, पणजी शहर देखने गए। पणजी क्या है, गोवा की राजधानी है, तो पणजी शहर देखने के लिए वह चले गए। घूम फिर कर हम शाम को कहा गए और एक बीच था, उसका नाम है कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है ना, तो 3 से 4 किलोमीटर का बहुत ही बड़ा और लंबा बीच है। यह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। बहुत ही बड़ा बीच है ये कलिंगुड। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें तो है तंगेज है, कुछ तो है तंग, जिन्हें देखने में आनंद आता है, करने में आनंद जितना नहीं आता उतना देखने में आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग, वहां पे पैराग्लाइडिंग आपको पता होगा, आपने कभी किया भी होगा पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, काफी ऊंचाई से अथवा जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा, रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों डर भी रहते हैं और खुश भी हो रहे थे। तो आनंद भी होता है और डर भी होता है वहां पर। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, तो बहुत ही मजा आता है वहां पे। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, कितने दिन, 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या
सुबह जल्दी उठते थे, फटाफट नाश्ता करते थे, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट में आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरते, तो वहां पे भी रिसोर्ट में स्विमिंग पूल था तो वहां पे वो तैरते थे। एक दिन कोलवा कोलवा बेट बीच है, वहाँ बोटिंग का आनंद उन्होंने वहां पर लिया था। यहाँ अभी आपको अगर डॉल्फिन देखने होंगे, डॉल्फिन अगर आपको देखने होंगे तो आपको जाना पड़ेगा कोलवा बीच, तो वहां पे आपको डॉल्फिन दिखाई देगी। कभी अगर गो जाओगे तो डॉल्फिन देख के आओ, डॉल्फिन मछलियां दिखती है। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने उनका आनंद लिया। बहुत बड़े डॉल्फिन नहीं होते, समुद्र के अंदर बहुत बड़े डॉल्फिन आपको मिलेंगे, जो यहाँ पे नजदीक मिलेंगे तो छोटे ही डॉल्फिन मिलेंगे। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर गली घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा माँ की घट स्थापना कर लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कभी भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई पूजा कर रहे थे, शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। जैसे अपन तो ना आप कैसे पाले तो अपने सबकी अपने अपने सांस्कृतिक परंपराएं होती है। दशहरा पर सोना देते ना त्याप्रमाणे इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह अपने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो लोग आते हैं जाते हैं, और यहाँ पे बाहर से बहुत जो लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन जो संस्कृति वहां पे है वो कुछ वहां पे जो भी संस्कृति उन्होंने अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से संभाल कर। आबोहवा का मतलब होता है जलवायु, खाना पूर्ति, औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा मतलब हरियाली, सैलानी का मतलब होता है सैर सपाटे करने वाले पर्यटक। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, कुछ मुहावरे जैसे मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, दो चार होना मतलब छूझना, जेब फ्री होना मतलब आपको सबको पता है जेब खाली होना, बहुत खर्चा होना, खर्चा घूमने फिरने जाओगे तो खर्चा होता ही है। कुछ क्वेश्चन आंसर से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। और ये बहुत आपको सबको इम्पोर्टेंट, ये है संज्ञा भेद विशेषण उसका है। ग्रामर पार्ट आपको कुछ करना है, बाकी आपको नहीं जादू चल जाएगा। सहायक क्रिया ये आप देखिए, मैं टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़ पड़ी, तो सहायक क्रिया है आपकी पड़ी मतलब पढ़ना, तो आपको इस अगले में पड़ी मतलब पढ़ना। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है मतलब होना, गए मतलब जाना, है मतलब होना। तो सहायक क्रिया आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से समझ के, ट्राई कीजिए, बिकॉज आप भी कुछ पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा।